की पूर्णिमा से पितृ पक्ष प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध भी होता है। पितृ पक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेगा। ब्रह्मा पुराण के मुताबिक मनुष्य को पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए और उनका तर्पण करना चाहिए। पितरों का ऋण श्राद्ध कर चुकाया जा सकता है। पितृ पक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न हो रहते हैं। पितृ पक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान किया जाता है। नंबर 1, शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लो करके जलाएं। नंबर 2, प्रतिदिन पितरों के निमित्त तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। नंबर 3, प्रतिदिन पितृ सूक्त के पितृ गायत्री का संपुट लगा करके अधिक से अधिक पाठ करें या करवाएं। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। नंबर 4, पितृ पक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। नंबर 5, प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराए और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद ले। नंबर 6, श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इन दिनों में कोई नई चीजों को भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इस दौरान सात्विक भोजन बनाना चाहिए, तामसिक भोजन से परहेज करें। नंबर 7, श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे का बर्तन में खाना बनाने पकाने से बचना चाहिए। नंबर 8, पितृ पक्ष में पीतल तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 9, इसके अलावा इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है। श्राद्ध पक्ष में लहसुन प्याज से बना भोजन नहीं करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को